हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल और एल्डर सहेल डीन साहब का सलाम पहुंचे। अजीजों, हम आपसे माजत चाहते हैं, कुछ टेक्निकल वजूहात की बना पर हम जो है इस प्रोग्राम को थोड़ा सा देर से शुरू कर पाए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे और आपको इंतजार की जहमत उठाना पड़ी, हम आपसे माफी चाहते हैं। तो आइए आज की इस हीलिंग मिनिस्ट्री के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। खुदावन के जिंदा पाक कलाम को सुनिए। खुदावन का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदा सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावन के तालबों के दिल शादमान हों, खुदावन और उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के अकाम को याद रखो। आए उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, आए बनी याकूब उसके बरजीदो, वही खुदावन हमारा खुदा है। आइए हम दुआ मांगें। बहरबर के खालिक और मालिक जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरी खूबसूरती के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए, तेरी पाकीजगी के लिए, तेरी यकसानियत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और इस वक्त के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जब आए खुदावन हम तेरे हजूर हाजिर हुए हैं कि तेरे लोगों के लिए बरकत चाहें, और अब खुदावन तेरी आवाज़ को सुन सकें, तेरी हम दोस्ताइश कर सकें। आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं और तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। साजो आवाज़ को खुदावन मैं तेरे कब्जा में देता हूँ। खुदा मैं दुआ करता हूँ साहब के लिए, एडवर्फिल साहब के लिए, खुदाओं के साथ हो, और खुदाओं सारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी मदद और खास निगरबानी कर, अपने पाकर से मामूर कर। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आमीन। जी बहन भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये आप बाइबल टीवी पर भी देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लाइव इसको यूट्यूब पे और फेसबुक लाइव जो है अभी जारी है, लोग इस पे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो नंबर है जी हमारा 07-18-99-2824। इस नंबर पर आप हमें कॉल जो है वो कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो भी हमें आप दे सकते हैं। तो आइए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा की बरकत चाहते हैं। आइए हम खुदावन की हम करें और हम जबूर गाएंगे 91। यार अब तू मेरी पना है, सो तू आई मेरी जान, खुदावन के विच रहंदी है तो तेरी है। आइए हम खुदावन का शुक्र करें। यार अब तू मेरी पना है, सो तू है मेरी जान, यार अब तू मेरी पना है, सो तू है मेरी जान, बद दे बिच रहंदी है वो तेरा है वरदान, खुदावंद दे बिच रहंदी है वो तेरा है वरदान, सो तेरे होते प्रभु बिना Yeah.
शुक्र अदा करते हैं कि हमारे छिपने की जगह है, वो हमारा मौकम किला है, हमारी पनाहगाह है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं जिसमें मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत ताकत है। हम खुदा के बहाव लहू के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, वो लहू जो कल भी बहा और आज भी वो कारामंद है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसके लहू में शफा है, कुदरत ताकत है, इसलिए आज हम सब फ्राहम हुए हैं कि हम खुदावन से शफा चाहें, खुदावन से बरकत चाहें। और हमें गीत गाएंगे, दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी, गीत नंबर 140 है। दिल के दाग को धोए करता है
बख्शता है, हमारी मदद और रहनुमाई करता है। हम मुकद्दस लूका का अंजीली बयान उसका 10 बाब 25 से 37 आयात तक खुदाम के पाक कलाम से तिलावत करेंगे। खुदाम के जिंदा मोहब्बत पाक कलाम को सुनिए। और देखो एक आलमी शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि आए उस्ताद मैं क्या करूं के हमेशा की जिंदगी का वारिस बने। उससे कहा तोरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदा अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने ताई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से खुदा से पूछा फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उस राह से जा रहा था और उसे देखकर कुतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी इसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भिटियारे को दिए और कहा इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से शख्स का जो डाकू में घिर गया तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। जिसने कहा जा तू भी ऐसा ही कर। खुदाओं के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदाओं की बरकत हो। आमीन। हम
पहले कि खुदा उनके पाक कलाम पर गौर करें, हम एक और जबूर खुदा उनके पाक कलाम में से हम गाएंगे। तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है, हम इसकी पहली तीन आयात जो है गाएंगे और फिर अपने आप को पाक कलाम सुनने के लिए तैयार करें। जबूर 103, तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है, इसकी पहली तीन आयात। तू आँख है मेरी जान बारिश खुदा है, तू आँख है मेरी जान से नहीं हमारी जान तेरी बड़ाई करती है क्योंकि तू कुदूस और पाक है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तुम्हें जिंदगी बख्शता है, तेरे कलाम में जिंदगी है। खुदावन आज के कलाम को हमारे लिए बाबरकत ठहरा, हमारे जहनों को अपनी तरफ माइल कर, हमारे ख्यालात को मुंतशिर होने से बचा, अपने पाक रूह से मामूर कर ताकि हम तेरे मुंह की बातों को तेरी मर्जी के मुताबिक सीख सकें और इनको अपनी जिंदगी में जगह दे सकें। जितने लोग मीडिया के वसीले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको बड़ी बरकत दें, यीशु के बाबरकत नाम में। अजीजो, अगर आपको संडे स्कूल जाने का इत्तेफाक रहा है और आपने बचपन में संडे स्कूल अटेंड किया है, आप जानते हैं कि ये जो तमसील है नेक सामरी की, ये बचपन से हम सुनते आए हैं और ये सबकी पसंद की ये एक तमसील है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा के इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए। जितनी ये खूबसूरत तमसील है उतनी ही ये मिसअंडरस्टूड किए जाने वाली भी तमसील है, क्योंकि जब हम इसको दुरुस्त तरीके से नहीं समझते, इसको सीखते नहीं, फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। इस तमसील में खुदा यीशु मसीह ने एक बहुत गहरा भेद मुनकशिफ किया।
खुदा का पाक कलाम हमें ये बताता है कि जब खुदा ने पैदाइश की किताब में हम इस बात को देखते हैं कि खुदा ने आदम को बनाया और खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक साथी बनाऊंगा। खुदा ने उसके लिए हवा को बनाया। ये पहला एक यूनिट था, पहला एक खानदान था जिसे खुदा ने तश्कील दिया। अब जब आगे चलकर हम देखते हैं खुदावन ने एक कौम को चुना, बनी इसराइल को, और खुदावन ने भी ये सिखाया कि तुम एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की फिक्र करना, तुम्हारा अकेला रहना अच्छा नहीं है। अगर जब वो डिस्पर्स भी हो गए, खुदावन उनको फिर बहाल किया, सीरी में जाने के बाद खुदावन वापस उनको उनके घर में लेकर आया यरूशलम में, और अभी भी जो कबीले बिखरे हुए हैं खुदावन उनको दोबारा वापस लाएगा। लेकिन यहां पर इस तमाम जो तमीज है उसके बांधने का मकसद यह है कि खुदावन ये चाहता है कि हम इंसान जो है वो मिलकर रहें, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। थैंक यू। हम इस बात को देखते हैं कि एक आलम शर आया और लिखा कि वो कहकर उसकी आजमाइश करने लगा। वो खुदावन की आजमाइश कर रहा था कि ये क्या मुझे जवाब देता है। उसने सवाल ये किया, आए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। हालांकि अगर देखा जाए तो खुद शरा का आलम था, उस्ताद था, लेकिन वो खुदावन को आके कहते हैं आए उस्ताद, आए रबी। और वो जो सवाल कर रहा था खुदावन ने उससे बढ़कर उसको कुछ और सिखाने की कोशिश की। खुदा से कहा कि तू तारेत में क्या पढ़ता है, क्या लिखा है। उसने कहा खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रखकर, अपने पड़ोसी से अपनी मानत अपने बराबर मोहब्बत रखकर। उसने कहा ठीक जवाब दिया। खुदावन ने कहा तूने ठीक कहा है, यही कर तो तू जिएगा। अब वो शख्स बड़ा क्लेवर था, उससे कहा अच्छा चला तुझे मैं ये बात पूछता हूं, अच्छा जी मेरा फिर पड़ोसी कौन है, किससे मैं मोहब्बत रखूं, किससे ना रखूं। He was trying to trap him. खुदावन को वो आजमा रहा था। अब इस बात को लेकर, इस सवाल को लेकर खुदावन यीशु मसीह ने उसको ये देख सामरी की जो कहानी है ये सुनाई कि एक शख्स सफर कर रहा था और यरूशलम से यरू की तरफ जा रहा था और रास्ते में उसे डाकू ने घेर लिया, उसे मारा कूटा और उसका माल सबाब लेकर चले गए, उसको अधूरा छोड़कर चले गए। अब यहां पर हम कुछ कैरेक्टर देखते हैं कि उसी रास्ते से एक कहन जो है वो जा रहा था, वो उसको देखकर वो भी चुप करके चला गया। लावी जो हैकल में खिदमत करते हैं उसने देखा, वो भी खामोशी के साथ आकर चला गया। फिर हम देखते हैं कि एक सामरी जो है वो आया और उसने आकर उसकी तमारदारी की, उसको ले गया, अपने जान पर डाला और उसको सराय में ले गया, उसके लिए रुपया पैसा भी खर्च किया। अब ये तमाम वाक्या बयान करने के बाद खुदावन ने उससे ये सवाल किया कि तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा। उसे कहा वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर। कंक्लूजन जो है वो ये है कि जिसने ज्यादा रहम किया, तर्स खाया, वो हमारे लिए एक अच्छा सबक जो है वो छोड़ गया। खुदावन का तू भी ऐसा ही कर। अब जरा तमसील की थोड़ी सी तफसील की जान जाते हैं, वो जो भेद इसमें छुपे हुए हैं उनको जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। इसको हम कैसे अपने इस मौजूदा माहौल में, इन दिस 21st century, हाउ वी कैन रिलेट दिस पैराबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराबल फॉर यू एंड मी, हमारे लिए इसमें क्या भेद जो है वो पाया जाता है। हम देखते हैं कि जो इस वक्त हमारे मुआशरे की हालत है वो अच्छी नहीं है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सोशल जस्टिस लोग उसके लिए करा रहे हैं,
रेसिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग अपने आप को बेबस पा रहे हैं, बेयार मददगार हैं, एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन whether somebody is poor or rich, everybody they are suffering. हर कोई मुसीबत में है, परेशानी में है. अब यहां पर जब हम इस कहानी को देखते हैं तो खुदावंद हमारा ध्यान जो है वो इस तरह लगा रहे हैं कि उस मौके में, उस जगह पर जो कुछ हुआ उसमें कसूर जो है वो किसका है. अब अगर हम शरा के आलम को देखें तो वो तो क्यूरियस था, वो सवाल कर रहा था, निकोदिमस के मन था जो खुदावन के पास आया कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं. खुदावन ने उसको भी जवाब दिया और यहां पर भी खुदावन ने कहा कि तू उन शरीयत के हुक्मों को मान. अब देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट. इफ समबडी इज आस्किंग क्वेश्चन वेदर विद अ गुड इंटेंशन और विद अ बैड इंटेंशन, हम उसको बुरा नहीं कह सकते. दैट वाज अ माइंडसेट. ठीक है, मैं जब प्रोग्राम करता हूं तो मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो हैं क्वेश्चन करते हैं, बट आई ऑलवेज टेक इट वेरी पॉजिटिव. ठीक है, उसको समझ ना हो चले ठीक है, अगर वो क्वेश्चन कर रहा है उसको जवाब देना चाहिए. तो यहां पर भी ये जो शरा का आलम है, अगर से वो क्वेश्चन कर रहा है, खुदावन ने उसको उसका जवाब दिया और खुदावन ने इस बात को साफ से बड़ी सफाई के साथ बयान किया कि पड़ोसी कौन है. दरहकीकत खुदावन ये बताना चाह रहे थे कि हमारा दूसरों के साथ रवैया जो है वो कैसा होना चाहिए और हमें अपने पड़ोसी से या दूसरे लोगों से हमें नफरत नहीं करना. There shouldn't be any hatred in our heart for the other people, those who are living around us. I'm not talking about the neighbor who is living next door to you. It's a wider society, wider community. उसमें जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं उनके साथ हमारा रवैया जो है वो कैसा होना चाहिए. अब इसमें जो पहला किरदार है उसके बारे में हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि इसका जो मकसद वो मैंने आपको बताया कि खुदा बताना चाहते थे कि हमारा पड़ोसी कौन है और जो लोग अपनी शख्सी रास्तबाजी पर तकिया करते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हम देखते हैं कि कहन जो है उसकी सिचुएशन को अगर आप देखें कि वो कहानत का काम करता है हैकल में, अपनी शख्सी रास्तबाजी पर भरोसा तकिया करता है और वो इसे चला गया कि मैं इसको क्यों छूं, मैं इसको क्यों देखूं, मेरी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैंने हैकल में जाकर तो कुर्बानियां गुजरानी है, मजहबी रहनुमा है. अगर हम अपने इस कॉन्टेम्प्रेरी इरा में, इस दौर में देखें तो जो आज के जो मजहबी रहनुमा है मोस्ट ऑफ देम दे आर हैविंग द सेम एटीट्यूड. कोई मर रहा है, कोई जो भी हो रहा है होता रहे, मेरी तो जो और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी रिसेंटली वाक्या हुआ, हमारा एक कोलीग, हमारा एक दोस्त जो कि पास्टर है इस्लामाबाद में, उसकी डेथ हो गई और उसने कोरोना वायरस की वजह से चले मान लिया कि लोग उसके जनाजे में नहीं आ पाए. उसके जो साथी थे, जो पासवान थे, उनमें से भी कोई वहां पर ना गया. पादरी साहब का एक भाई जो है वो दूसरे शहर से आया हुआ था, उसने फ्यूनरल किया. मेरा क्वेश्चन ये है कि वे वर द लीडर्स, नो बडी बॉदर टू कॉल दैट विडो. किसी उसके बच्चों को, उसकी बेवा को फोन करने की जहमत नहीं की. दे वर थिंकिंग दैट दे गॉट सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो ज्यादा जरूरी है. वो मर गया है कोई बात नहीं है, कोलीग था, क्लास फेलो था, कोई बात नहीं है. और यही इस शख्स की प्रॉब्लम थी इस कहानी की कि मेरे लिए ज्यादा अहम यह है कि मैं जाकर हैकल में कुर्बानी गुजार. हमारी जो दीनदारी है वो कैसी है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है. क्या इस शख्स ने उसको मारा था, बहन ने या लावी ने. लावी का भी यही था कि अगर मैं लाश को छू लूंगा तो नापाक हो जाऊंगा, मुझे इजाजत नहीं होगी. और ये टर्न होता था, हर एक का बारी आती थी कि चलिए अब ये इसकी बारी होगी, अब इसकी बारी होगी और बड़ा वक्त लग जाता था. दैट वाज अ ग्रेट ऑनर टू सर्व इन द हाउस ऑफ गॉड. लावी के लिए, लिवाइट्स के लिए इट वाज अ ग्रेट ऑनर
to go and serve in that place. But the priest as well. To ke chief priest hota tha, baki rest of the people they were helping in that temple. अब उसने सोचा कि यार बड़ी मुश्किल से बारी आई है और उसने अपने गांव में अपनी जगह अपने खानदान में लोगों को बताया होगा नाउ आई एम गोइंग टू द टेंपल आई एम गोइंग टू सर्व देयर मैंने वहां पर ये काम करना है लुक आई एम वेरी ऑनर्ड लेकिन उसने जख्मी को छूने की जिसारत नहीं की उसको वहां पर छोड़कर चला गया अब इन दोनों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था उन्होंने तो उसको जख्मी नहीं किया था अगर आज वो दोनों लावी और काहन आपके सामने हो और आप उनको ब्लेम करें तो कहेंगे भाई मेरा क्या कसूर है मैंने मारा था उसको व्हाई यू आर ब्लेमिंग मी मैंने तो उसके पैसे नहीं छीने मैंने उसको जख्मी नहीं किया लेकिन उनमें एक बात की कमी थी एक मुश्किल थी दे फेल्ड टू शो द ट्रू लव एंड कंपैशन एंड मर्सी उन्होंने रहम नहीं किया तरस नहीं खाया दैट वॉज देयर मिस्टेक और एंड में आप देखिए खुदावंद ने इसलिए उसका कंक्लूजन जो दिया है कि किसने सबसे ज्यादा कौन पड़ोसी है वो जिसने सबसे ज्यादा रहम खाया और वो जो सामरी था वो जो के माशरे से कटा हुआ था सेग्रीगेटेड था जिसको यहूदी अच्छा नहीं समझते थे उसने उस पर तरस खाया अपने जानवर पर उसको लादा इट्स अ लॉन्ग वे आई बीन थ्रू दैट मुझे वहां से जाने का ख्वाब हुआ है बहुत रफ एरिया है लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की अपने जानवर पर उस जख्मी को लादा और उसको उस सराय में ले गया और अपने पैसे दिए और उसे कहा कि ये रख ले और मैं अगर उससे ज्यादा भी होंगे तो मैं आकर तुझे दे दूंगा अजीजो हम इस बात से सीखते हैं कि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं जिस माहौल में हम रह रहे हैं डोंट ट्राई टू कॉपी अदर पीपल ठीक है काहन चला गया मैं भी गुजर जाऊं लावी ने शायद दूर से देखा हो कि यार मेरे आगे तो काहन भी गुजर गया कोई बात नहीं मैंने मेरा क्या कसूर है किसी ने बड़ी खूबसूरत जो जोक है वो सुनाई के जन्नत के दरवाजे पे सब लोग खड़े थे और सब लोग जा रहे थे उसमें जिन्होंने रहम नहीं किया था उसमें हर तरह के लीडर भी थे और आगे एल्डर साहब खड़े थे तो उन्होंने पीछे देखा उन्होंने कहा पीछे देखा तो उन्होंने कहा भाई साहब आप भी कहता हाँ यार मैं भी हूं आप तो पादरी साहब हैं आप कैसे चले मैं तो एल्डर हूं मैं तो बहुत नीचे के उसमें आता हूं क्लास में आप भी यहां पर उसने कहा चुप कर जा पीछे बिशप साहब भी आ रहे हैं देयर इज नो एस्केप इफ यू बिलीव दैट यू आर राइटियस यू आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप लेकिन अगर आप रहम नहीं करेंगे there will be no discrimination. खुदावंद के हाँ किसी की तरफदारी नहीं है अजीजो इस शख्स ने लावी ने काहन को फॉलो किया काहन ने अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको ज्यादा अहम समझा आज हमें किसको फॉलो करना है हमें यीशु के फुटस्टेप पर चलना है इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे इसलिए लोगों को आइडियल ना बनाएं जैसे खुदावंद ने हम पर रहम किया है हम पर भी ये फर्ज है कि हम दूसरों पर रहम करें और इन दिनों में आप देखें कि ये एक बड़ा मुश्किल काम है दूसरों की निगहदाश्त करना हम अपने खानदानों को संभाल लें अपने आप को कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है रुपये पैसे का भी मसला है ये जो दिनार उसने दिए ये दो दिन की सैलरी थी उसकी दो जो उसने दिनार जो दिए उस वक्त उसने कहा कि मैं बाकी भी आकर जो है दे दूंगा दूसरे दिन दो दिनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबर गिरी और जो कुछ ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा ये नहीं कहा चल चलो ये तो मैं दे सकता था बाकी फिर देखी जाएगी अजीजो हम कहां तक
नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। हमारी मोहब्बत कैसी है, किन से है, उसका रुख किस तरफ है। आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं, क्या हम ऐसे फराख दिल हैं, क्या हम ऐसे तरस खाने वाले हैं, क्या हम किसी के लिए दुआ करने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, उसे कंफर्ट देने के लिए तैयार हैं, या हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपनी रास्तबाजी पर तकिया करते हैं, अपनी जो बाकी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं ये नहीं कहता कि वो जरूरी नहीं है, काहिन के लिए वो भी जरूरी था, बट वॉट इज योर प्रायोरिटी इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में अहम बात क्या है। अगर हम रहम नहीं करते, अगर हम तरस नहीं खाते, अगर हम दूसरों की फिक्र नहीं करते, देन वी आर आंसरेबल टू गॉड। हमारा पड़ोसी कौन है, किससे हमें प्यार करना है, किस पर तरस खाना है, आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। आइए हम दुआ करें, और वो जो हमारे इर्द गिर्द इस वक्त मुश्किल में है, जो कि हमारे प्यार के वहां हैं, जिनके लिए दुआ की जरूरत है, जो कि शायद हमारे रिलेटिव नहीं है, हमारे प्यार करने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें उनके लिए दुआ करनी है। अजीजो, बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे जी इनको तो कॉल्स नहीं ज्यादा आती और कोई कह नहीं रहा, बट आई नो प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। देयर आर पीपल दोज हू आर सीकिंग योर लव एंड कंपैशन। हम अपनी बड़ाई नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि यहां पर लाइन लगी हो और लोग कहें जी हाँ जी बहुत बड़ी बात है जी। हम खुदावन की मोहब्बत को बेलॉस बांटना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो कि शायद हमें जानते नहीं है, लेकिन खुदावन को जानता है। हम उनके लिए दुआ करना चाहते हैं। हम आपके लिए जो आप परेशान हैं लेकिन आप शर्माते हैं, घबराते हैं, आपके अंदर खौफ है, हेजिटेशन है, आई नो दैट। आप इजी नहीं लेते इस बात को कि चले उठ के हम थोड़ा सा फोन कर लें, अपने लिए दुआ के लिए कह लें। सारा दिन हम दुनिया की बातें करते रहते हैं। वी वॉन्ट टू लिव इन दैट ट्रबल, वी डोंट वॉन्ट टू आस्क हिम, प्लीज हेल्प अस। हम खुदावन को कहना नहीं चाहते, या चाहते हैं तो शायद अपने मुंह से उसका इकरार नहीं करते, दिल में गुस्सा रख के बैठे हुए हैं, जैसे वो शख्स जो कि 38 वर्ष से बीमार था और वो यीशु से कहता कि मुझे पानी में डालते नहीं है। एंगर, कंप्लेन, सेल्फ पिटी, लोग मेरे पे तरस खाए। कुछ लोग जो ना एंजॉय करते हैं अपनी बीमारी को, है ना, कहते हैं डॉक्टर साहब, कहते हैं जी लोग सिंपैथेटिक हों, कहते हैं हाँ यार जो मेरे पे तरस खाए मुझे कहे ओ यार बीमार है यार बड़ी बड़ी यार डॉक्टर साहब, ऐसा होता है जी। तो हम एक्सप्रेस नहीं करना चाहते अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, और ये बहुत बड़ा कलमिया है। और आज मैं समझता हूं कि हमें खुदावन के सामने आने की जरूरत। वो जो के अंधा था वो चला उठा यरू के किनारे, आए यीशु मुझ पर रहम कर। लोगों ने से चुप कर जा रहा है, लेकिन वो और ज्यादा चलाया, आए खुदावन मुझ पर रहम कर, आए यीशु मुझ पर रहम कर। वो जो के अपना सारा रुपया पैसा गवा चुकी थी, 12 वर्ष से बेचारी बीमार थी विद इश्यू ऑफ ब्लड, उसे कहा कि मैं उसकी पोशाक का पल्ला छू लूंगी तो शफा पाऊंगी। बड़ी भीड़ थी, औरत, और यहूदियों में एल्डर साहब औरत को अच्छा नहीं समझा जाता था। इट इज अ लार्ज क्राउड, ऑल द मेन दे आर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट, एक औरत जबरदस्ती बीच में घुसने की कोशिश करे, और वो भी नापाक, ये नापाकी थी तहारत के मुताबिक, ऐसी औरत जिसे प्रॉब्लम हो ब्लीडिंग की, वो किसी को छू ले या उसे कोई छू ले वो नापाक हो जाता, कोई बात नहीं है, जो लोग मर्जी सोचते हैं, भाई मैंने इसको छूना है। वो जो कोड़ी था, अबाद खाना में था, सबत का दिन था, लोगों ने कहा देखा भी आप देखते हैं क्या करता है, ये इसको छूता है तो क्या करता है, अगर ये इसको छूएगा तो हम कहेंगे तू नापाक हो गया, तू तो उस्ताद है, तू यहूदी है, तुझे भी अब शहर से निकाल देंगे। लेकिन यीशु ने कहा, उसे छुआ और कहा कि पाक साफ हो जाए, और उसका कोढ़ जाता है सिर्फ और उसी वक्त
उसका कोड जाता है. इसलिए there shouldn't be any hesitation. We shouldn't be ashamed. हमें यीशु के नाम से शर्माने की जरूरत नहीं है. आइए हमारे साथ मिलकर दुआ कीजिए अपने अजीजों कारब के लिए. सिर्फ सिंपथी शो ना करें. अगर कोई बीमार है फोन, मैंने देखा हार्डली लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, विच इज नॉट गुड. अगर आप जानते हैं कोई बीमार है, आप उसको फोन कर रहे हैं कि हाल है जी तुम्हारा, ठीक हो, सुने तुम बीमार हो, है या तो बड़ा काम खराब हो गया भाई. अच्छा, पूरा आधा पौना घंटा बातें करते रहे, दुआ नहीं की. चलो फिर देखेंगे, फिर कुछ करांगे. चलो कोई बात नहीं. व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? हॉस्पिटल गए हैं, विजिट किया है, इधर उधर की बातें करके वो चल यहाँ तो सेब के लो, जब बीमार हो भी खा गए ना, वो बेचारा बीमार, अच्छा खा लो, पुत्र तू है खा ला, तू है खा ला, चलो जी, नहीं मैं खा गया, चल खा ला कोई ना, ये पता करना आए ना उसके लिए दुआ, बल्कि उल्टा उसको और डिप्रेस करके आ जाते हैं, बड़े मर रहे ने पता नहीं क्यों होना कर लूगा. सो जब आप इसे प्यार करते हैं उसके लिए दुआ भी करें. सिर्फ हमदर्दी का आजार ऐसे ना करें. इसे भी देखा हो वो अधमुआ लिखा है, उसे अधमुआ छोड़कर चलेंगे, अपनी तरह से मार के चलेंगे डॉक्टर. अब ये जो एक और यहाँ पे एक छोटी सी बात मेरे जहन में आके फिर मैं दुआ करूंगा कि लावी और काहिन को ये पता नहीं था कि मर रहा है या जिंदा है. छुआ तो उन्होंने है नहीं था, ऐसे ख्याल कर लिया कि अगर ये मैं इसको छूंगा तो मैं फारू, मैं खिदमत नहीं कर सकूंगा. अपने जहन में खुद ही सोच लिया. हम भी ऐसे करते हैं, किसी ने पता नहीं बचना है, उसकी जान कितनी देर की, उसकी जिंदगी कितनी देर की है, हम अपने जहन में पहले अज्यूम कर लेते हैं. मैं मिलके आया हूँ उससे, बस बड़ा मुश्किल है बचे, भावे अपना रात सा निकले. दूसरे के बारे में ये सोच रहना है, उसने मर जाना मैंने बच जाना है. कभी ऐसा ना सोच. आइए हम दुआ करें अपने अजीजों का के लिए, अपने लिए, अपने घराने के लिए. आइए हम दुआ करें. हम इस सबूर की जो बाकी की आयात है उनको तीन आयात वाक्य में तो गाएंगे, और मैं चाहूंगा कि आप दुआ में हमारे साथ ठहरे. तेनू चंगिया चीजा नाल ओ है रचांदा, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा, ओ काबा दे वांगर तेनू जोर दे के ओ तेरी जवानी नू करदा नया. हम विदाउट ड्रम जो है तो आई अंदाज इसको गाएंगे. जबूर सुती इसकी पांच छड़ी. तेनू चंगिया चीजा नाल ओ रचांदा, तेनू चंगिया चीजा नूर जाना, तेरी उम्र को वो खुशी बदला है, तेरी उम्र को वो खुशी बचता है. शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ है. खुदावन हमें किसी चीज की दहशत और खौफ नहीं है क्योंकि तू कादिर मुतलक है. खुदावन तू चाहता है कि तेरे लोग शिफा पाए, तू ये चाहता है कि हम जिंदगी पाए. खुदावन बहुत दफा हम खौफ की वजह से, शर्म की वजह से खुदावन तेरे पास नहीं आते, लेकिन तू अपनी बाहें फैलाए हमें अपने पास आने का फजल बख्शता है.
आज जलाल से भरे हुए खुदा हूं, हम मिन्नत करते हैं इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए जो के घरों में बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, जहां कहीं भी हैं, तुझसे पोशीदा नहीं है। तेरा कलाम हमें सिखाता है तुम एक दूसरे के लिए दुआ मांगो, क्योंकि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने दुआ की, आसमान से नहीं बरसा। तेरा खुदावन आज हम चाहते हैं कि तेरे लोग जो के परेशानी में है, मुश्किल में है, दर्द में है, तकलीफ में है, खुदावन तू ने छू ले। यीशु जी हम इल्तिजा करते हैं खासतौर पर इस वबा के लिए, कोरोना वायरस के लिए, जो के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, सियासी रहनुमाओं के लिए, मजहबी रहनुमाओं के लिए, खुदावन जो सब मुश्किल में है, परेशानी में है, खुदावन हम उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अजलाल से भरे हुए खुदावन हम दुआ करते हैं वो लोग जो के हॉस्पिटल्स में हैं, खुदावन तू ने छू ले। वो जो के आइसोलेशन में हैं, खुदावन तू उनके साथ हो, क्योंकि खुदावन जब सारे लोग छोड़ दें, खुदावन तू हक नहीं छोड़ता। यार खुदावन हम दुआ करते हैं प्यार से भरे खुदावन आज खासतौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो कि खुदावन खिदमत में है, खुदावन मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। नर्सिस के लिए, डॉक्टर के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खुदावन दुआ करता हूँ, तूने बड़ी हिम्मत अदा कर दी। खुदावन जो लोग मायूसी का शिकार हैं, खुदावन मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि तू उनकी हिम्मत बढ़ा। यार यीशु मैं उन तमाम ड्रग एडिक्टेड के लिए जो कि खुदावन करेक्शन सेंटर्स में है, जो कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, खुदावन उनके लिए तेरी मदद चाहता हूँ। उनके पेरेंट्स के लिए तेरी मदद चाहता हूँ, उनके बहन भाइयों के लिए तेरी मदद चाहता हूँ। यार खुदावन मैं तमाम बच्चों के लिए जो कि स्कूल जाने को थे लेकिन ड्यू टू दिस कोरोना वायरस दे वर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, गो टू देयर इंस्टीट्यूशंस, आई आस्क योर ब्लेसिंग अपॉन देम, आई आस्क योर एनॉइंटिंग अपॉन देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स, गिव देम करेज, दे मे फेस दीज थिंग्स। खुदावन मैं इस वक्त दुआ करता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, उनकी सारी कैबिनेट के लिए, हम दुआ करते हैं क्वीन के लिए, उनके घराने के लिए, आसमानी बाप उनकी मदद कर। तमाम मजहबी रहनुमाओं के लिए दुआ करते हैं कि जबकि लोग तेरे घर में नहीं जा पा रहे, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने, खुदावन तू अबलीज को शर्मिंदा कर, हमें बड़ी बरकत दे, हमारे घरानों के साथ हो। हम इस सारे माध्यम के लिए, टीवी मिनिस्ट्री के लिए तेरा शुक्र करते हैं, खुदा दुआ करते हैं तो हमारी मदद फरमा। और जब हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, खुदा हम इबादत करते हैं, उसमें भी तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं, क्योंकि तू हर वक्त और हर जगह हमारे साथ है। खुदा हम एक बार फिर तमाम एडल साहबान को, अपने म्यूजिशियंस को तेरे सामने रखता हूँ, खुदा हम तू इन्हें अपने रूह का दुगना दे, बड़ी बरकत दे, डबल अनॉइंटिंग दे, ताकि खुदा हम तुझे जलाल दे सके। खुदावन इस पूरे माहौल को तेरे कब्जा में देते हैं, सारी आलूदगी तेरे यीशु नाम में जाती है। खुदावन मैं अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, एक एक खानदान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन तुझ सबके साथ, उनके अजीजों कारों के साथ, जिनकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, खुदावन के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा आसमान उन पर खुल जाए। जो अनएम्प्लॉयड हैं, खुदावन तू उन्हें रोजगार मुहैया कर। खुदावन जिनके पास खाने के लिए नहीं है, खुदावन तूने खुराक मुहैया कर। जिनके पास साफ पानी नहीं है, जिनके पास है खुदावन अद्वियात नहीं है, खुदावन उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरे यीशु जी हम दुआ करते हैं हम लोगों के लिए जिनकी औलाद नहीं है, खुदावन तू जानता है तुझसे पोशीदा नहीं है। हम अपनी कलीसिया के खानदानों को, एडर सरफराज को, एडर रीड को, तेरे खुदावन वसीम को, उनकी अहलिया को, नसीम को, इसी तरह शाजिया को, उनके शोहर को, खुदावन मैं दुआ करता हूँ शमाम के साथ हो, शाजिया के साथ हो, उन्हें बड़ी बरकत दे। और फिर खुदावन मैं उन बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो कि आइसोलेशन में है, अकेलेपन का शिकार है, अजी मार्था के लिए, सुमन दीदी के लिए, अरे पैर खुदावन मैं दुआ करता हूँ, डेरिक के लिए, अरे पैर खुदावन डेबी के लिए, बाजी वीनस के लिए, अरे पैर खुदावन तेरी बंदी वज़रा चांद के लिए,
जलाल से भरे खुदावन इल्तिजा करते हैं सिंह के लिए, इस बरकत के लिए, खुदावन उनके साथ हो, अपने भाई गुलजार अहमद के लिए, खुदावन तेरी बरकत चाहता हूँ, फिर यीशु जी उनके घरानों में बरकत हासिल फरमा, सारी परेशानियों को दूर कर, बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। आखिर में खुदा उनकी तारीफ करते हुए कर गीत गाएंगे, हम तेरी यहोवा गाते हैं, हम सब खुदा उनकी तारीफ करेंगे, हम तेरी यहोवा गाते हैं, हम सब तू ही सरबुलंद है यहोवा। शुक्र करें क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, जितनी भी नेमतें बरकतें खुदा ने हमें दी हुई हैं वो बयान से बाहर हैं, हम उसकी एक एक नेमत और बरकत के लिए खुदा शुक्र करें, आइए हम सब दुआ मांगे, खुदा का शुक्र करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कदूस 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 रबुल खुदाच, खुदावंदों के खुदा, लश्करों के रब, हम तेरा शुक्र करते हैं, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदा, जिंदगी की तमाम नियमतों के लिए, देखी और अनदेखी नियमतों के लिए खुदा, जो कि तूने हमें मुहैया किए, ये सुना
तो जो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि तेरे बच्चों को किन चीजों की जरूरत है, तेरा शुक्र है। तू जो लश्करों का रब है, तू जो अहद का संदूक है, तू जो हजारों हजार में लौट के आता है खुदा, तेरा शुक्र। तू जो शेर बबर है यीशु नासरी, तेरा शुक्र करते हैं। तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं, तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए खुदा, तो तूने हमें मुहैया किए यीशु नासरी। तुम सबके साथ हो, सबको बरकत दे खुदा, नाम बनाम बरकत दे खुदा। ऐ खुदा दे खुदा, दुआ करते हैं यीशु नासरी, जितने भी दुनिया पे बेमार हैं खुदा, तेरे नाम से वो भले चंगे हों, और तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम को जलाल मिले यीशु। ऐ खुदा दे खुदा, हम दुआ करते हैं इस मुश्किल की घड़ी पे, जबकि ये COVID-19 हर तरफ है खुदा, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया खुदा, तू इसको खुदा दूर कर, तू इसको दूर कर खुदा, तेरे नाम से ये दूर हो जाए, तेरे लोग शफा पा जाए खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं अपने खानदानों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। तू सबको बरकत दे खुदा, तू सबके साथ है, खास तौर पर बच्चों के लिए दुआ करते हैं खुदा, उनके साथ हो, उनके जहनों को अपनी तरफ माइल कर खुदा, उनको अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर खुदा, उनको गुमराह होने से बचाए खुदा, और उसको अपने सीधे रास्ते पर लगाए खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं हर चीज के लिए खुदा, इन सांसों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस जिस्म के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सारी चीजों के लिए खुदा जो तूने मुहैया की, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। खुदा आज के मीठे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, हम ये दुआ करते हैं कि ये हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए खुदा। ऐ खुदा खुदा, तेरे बंदा पे तेरा मसा चाहते हैं, तेरी खुदा खुदा लहू लगाते हैं खुदा, तुझसे इल्तमास करते हैं कि वो इसी तरह तेरे नाम का प्रचार करता रहे खुदावन, और पूरी दुनिया में तेरे नाम की जय जयकार हो। खुदा सुहेल साहब के लिए दुआ करते हैं, जो आज का गाना बजाना हुआ यीशु नासरी, तेरा शुक्र हो, इनको मसा करते हैं खुदा, तेरा लहू लगाते हैं खुदा, तो इनको इसी तरह बरकत दे, इसको इसी तरह इस्तेमाल कर, अपने नाम के जलाल दे। ऐ खुदा दे खुदा, जो कुछ मांगना भूल गया खुदा, वो भी है खुदा मांगते देता है खुदावन अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा, और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक रहेगा। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को देखने के लिए, आइंदा भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। कल 2 बजे हमारी जो लुटन चर्च की जो इबादत ऑनलाइन वो होगी, और इसके बाद फिर हम शाम को जो हमारी बाइबल स्टडी उसको हम जारी रखेंगे, तो आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, और आप सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। की वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल, गॉड ब्लेस यू।